और ये देखो कितना सुंदर पानी है। हम ब्रिज पे हैं और ऊपर से नीचे जो लोग पहले पहुंच चुके थे ना, बहुत धीरे धीरे गए थे क्योंकि वो स्लोप इतना डाउनवर्ड था ना, मुझे तो इतना डर लग रहा था कि ब्रिज तो इतना हिल रहा है नीचे ये रिवर में ना पहुंच जाऊं। तो और जब हम नीचे जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये वाला ब्रिज दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना एक फ़ोटो के लिए रुकते हैं, और हम लोग यहाँ पे रुके और हमने अच्छे से अपनी फ़ोटो ली और नीचे जो लोग थे उनकी भी हमने फ़ोटो ली। इसमें है, रिवर में फिश है भी। तो वहाँ पे हमसे पहले बहुत सारे लोकल्स थे, कितना ब्यूटीफुल है ये, फिश कैच कर रहे थे ठीक है, अपना उन्होंने टेंट वगैरह सब कुछ लगा रखा था और वो अपना कुकिंग कर रहे थे, प्रॉन्स कुक कर रहे थे, उन्होंने क्रैब्स पकड़ रखे थे वो उनको कुक कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे मैगी कुक की, वो मैं आपको सेकेंड या थर्ड व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये पानी रिवर का काफ़ी क्लीन था, बट यहाँ पे वो काइक बहुत जाते की बहुत ज़्यादा थी, बट ग्रीन था अभी क्योंकि बारिश अभी रुकी है आइजोल में, मिजोरम में, तो अभी तो सब कुछ ग्रीन है, रिवर में पानी भी काफ़ी था। सो और सनलाइट भी थी, लेकिन सनलाइट इतनी हार्श नहीं थी, ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा था। सो हमने तो बहुत इन्जॉय किया इस जगह को, ऐसा लग रहा था पूरा संडे ना वसूल हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मतलब इट वॉज़ अ प्रोडक्टिव डे फॉर अस, वी इन्जॉयड इट थरली। मैंने काफ़ी कुछ कैप्चर करने की कोशिश की वीडियो में, ताकि कोई भी वीडियो को देखे या फिर कोई भी प्लान कर रहा हो उस तरफ आने का, तो ये जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपना जो भी गाइड वाइड रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे लोगों को जानते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे जो लोकल यहाँ पर गए थे, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। टेंट लगा लिया हमने, ये देखो लोकल्स फिश कैच कर रहे हैं गाइस। अनाहिता देखो रिवरी रोजंग से, तो
घर चल, मैं बता दी तुम्हें तो। मछली पकड़ रहे हैं। तुम्हें पता था ऐसा रास्ता है? पता है मैं कितना उठक बैठक लेट लेट के आई हूँ यहाँ तक? तुम फौजी हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है? हाँ तो अनाहिता, अनाहिता अमित, इतना स्केलेटन जैसा लग रहा है ये ना, यहाँ पे ये दो आईज और ये माउथ। ये जो बैग मैं रास्ते में छोड़ना पड़ा मुझे,